हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर नेक्स्ट टू ट्रेडिंग सेशंस कल मंथली एक्सपायरी अगस्त की और मंथली क्लोजिंग भी है एंड uh, uh, कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सुपर मून कहलाता है लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था नेक्स्ट ये 2037 में होगा बेसिकली सुपर मून उसे बोलते हैं कि भाई एक ही मंथ में दो फुल मून आ जाते हैं उसे सुपर मून कहा जाता है एंड बेसिकली इट इज़ लाइक फिफ्टीन परसेंट बिगर एंड थर्टी परसेंट ब्राइटर एंड इट्स इट्स अ गुड इवेंट आई मीन मून से रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स होता है तो मार्केट पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है तो <coughs> एक इवेंट वो रहा है सेकेंड uh, है मरकरी जो सेकेंड प्लानेट है सोलर सिस्टम का आई मीन नियरेस्ट टू द सन वो हो रहा है डेक्लिनेशन सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इधर मनकरी जियो लेटिट्यूड पे जो हो रहा है तो लास्ट टाइम इधर हुआ था उसके बाद से मार्केट ने एक रैली चालू किया ये आज हो गया है तो कल देखते हैं एक तो अच्छा फॉल या एक रैली चालू करना चाहिए मार्केट नेक्स्ट चीज है जो फुल मून और न्यू मून वो मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्ट में चलते हैं यहाँ पे अब हम जीरो एंड वन एटी डिग्री यहाँ पे ये आ गए हैं अपने इवेंट्स तो लास्ट टाइम ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एकदम टॉप बनाया इसके बाद एक अच्छी रैली थी ये जो रैली चालू हुई थी यहाँ पे देखिए इसके बाद भी मार्केट एक अप ट्रेंड में ही रहा तो मतलब लास्ट थ्री मंथ्स तो मार्केट पूरे अपट्रेंड में ही था पर अभी ला ये हुआ था अभी नेक्स्ट फोर्टीन जो फिफ्टीन अगस्त से हुआ था अभी तक मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है तो जनरली अगर मार्केट कुछ खास मूवमेंट नहीं करता है तो नेक्स्ट जो ये मूवमेंट आता है तो उसमें मार्केट एक अच्छा मूव आपको दे देगा बेसिकली निफ्टी 300 हंड्रेड टू फोर पॉइंट्स का मूव आराम से देना चाहिए तो ये हुआ था जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में जो वीक के स्टार्टिंग में बनाया था उसमें भी हम एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ने मूव किया पर अभी तक तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आया तो होपफुली ये जो नेक्स्ट साइकिल चालू हुई है थर्टी अगस्त से फोर्टीन सेप्टेम्बर के बीच में हमें एक मूवमेंट मिल जाना चाहिए तो ये तो हमारा ये हो गया नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है जुपिटर और सैटन दे आर द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनट ऑफ द सोलर सिस्टम ये एक सेवेंटी टू डिग्री एस्पेक्ट बना रहे हैं तो जुपिटर सैटन के बीच में कोई भी एस्पेक्ट बनता है uh, तो इट्स इट इट जनरली हैज़ अ वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट बिकॉज दोनों आउटर प्लानट है और गैन ने भी इनके बारे में बहुत डिस्कस किया था तो ये देखिए सेवेंटी टू डिग्री एस्पेक्ट बन रहा है ये कल बन रहा है और उससे पहले इन्होंने ये एस्पेक्ट बहुत ही रेयरली बनता है यहाँ पे बनाया था देखिए 2017 में यहाँ पे देखिए ये मार्केट एकदम टॉप आउट हो गया इस टाइम यहाँ पे एक अच्छी रैली चलू हुई थी इसके बाद भी एक अच्छी रैली चलू हुई थी तो और जो सुपर मून था वो 31 फर्स्ट को आया था लास्ट टाइम 2018 में तो अगर वहाँ पे भी हम जाके देखें तो उससे पहले मार्केट एक दो दिन पहले टॉप आउट होकर एक अच्छी फॉल भी दी थी ये बजट का फॉल था तो इसको हम ज़्यादा नहीं देख सकते पर होपफुली नेक्स्ट टू डेज में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं ये तो हुआ हमारा एस्ट्रोलॉजिकल का परस्पेक्टिव से uh, अब हम एक बार टेक्निकल से देखते हैं ये बी एस सी स्मॉल कैप का चार्ट में देख रहा था मिड कैप का है बहुत ही अच्छी रैली दे दी है मार्केट ने नेक्स्ट ऑलमोस्ट लाइक फोर मंथ्स से एक वन साइड चला है मार्केट और अगर हम स्मॉल कैप इंडीसीज का भी चार्ट देखें तो जिसमें ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड स्टॉक्स हैं ये फाइव फाइव वीक्स से वन साइडेड चला है तो फाइव वीक्स को फाइव मंथ सॉरी फाइव मंथ्स को मार्केट तो प्रॉब्लली आई थिंक सेप्टेम्बर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए दिस इज़ हाउ बुल मार्केट रन पर अगर एक आई वॉज रीडिंग समवेयर विद प्रमोटर्स ऑलमोस्ट सोल्ड एटी थाउजेंड करोड ऑफ शेयर्स तो इट्स तो ऑलवेज तो प्रूडेंट कि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा करेक्टिव मूव आएगा और वो करेक्टिव मूव में आपको

पे कितना स्ट्रॉग रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे हुआ यहाँ पे हुआ आज फिफ्टी एस एम ए के फोर डे मार्केट इसके नीचे है तो जब तक फिफ्टी एस के नीचे क्लोज नहीं हो पाता है तो दे इज हाई प्रोबेबिलिटी एटीन एट हंड्रेड तक आपका मार्केट आएगा निफ्टी आना चाहिए मीन दिस इज लॉ ऑफ एवरेजेस वीकली चार्ट में कुछ खास नहीं फिफ्थ वीक के बाद भी मार्केट एक छोटी सी ग्रीन रैली दी है और मंथली में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखिए लास्ट मंथ का लो था 19234, 19229 इस मंथ का लो है तो ये काइंड kind ऑफ of, uh, अभी अभी तक इसने लो बनाया नाइनटीन टू ट्वेंटी नाइन का तो इसने लास्ट मंथ के लो को अभी तक उसके नीचे नहीं हुआ कल हमारी जो एक्सपायरी होगी तो अगर ये नाइनटीन टू थर्टी फोर के नीचे क्लोज हो जाता है तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ बेरिश सिग्नल कि आपका हायर हाइस का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो चुका है तो कल बुल्स विल ट्राई वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट नाइनटीन टू थर्टी फोर ऑन ए क्लोजिंग बेसिस एंड बियस विल मेक श्योर दैट इट गेट्स ब्रोकन अगर वो ब्रोक ब्रेक हो जाता है तो एक काइंड ऑफ इम्पल्सिव फॉल भी हम देख सकते हैं इन द लास्ट वन आवर अगर इफ मार्क निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो नाइनटीन टू थर्टी फोर और नहीं हो होता है तो फिर ये मार्केट इट विल कंटिन्यू टू टूवर्ड्स इट्स रैली जो एक फॉल आ गया पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 19500 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है नहीं होता है तो दाई प्रॉब्लिटी ट्रिपल एट की तरफ आ जाता है पर बैंक निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है एज़ कम्पेयेड टू निफ्टी 50 ए 20 50 के ऊपर ये वापस 100 डे के आसपास आ रहा है अब भैया ये 44,000 फोर थाउजेंड ये थ्री टाइम्स इसने इसको सस्टेन कर लिया फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी 42,895 की तरफ मार्केट आ जाएगा क्योंकि अभी एस्ट्रो इवेंट्स मीट हो रहे हैं अभी मार्क्स का इन्ग्रेस भी हो गया और ये फुल मून भी आ रहा है तो यू नो वेन एस्ट्रो इवेंट्स आर मीटिंग प्राइज इज ऑल्सो इंडिकेटिंग तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट एक अच्छा मूव देगा और हमें उसे कैप्चर कर सकते हैं अब लेवल्स के ऊपर चल चलते हैं तो uh, यहाँ पे हमारे लेवल्स यहाँ पे आएंगे अगर मैं ऊपर की साइड में देखूं, अगर बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है तो 44101 के नीचे करिए फॉर 43889, 43677 एट एटी एंड फोर्टी एंड इफ़ यू वांट टू बी ऑन लॉन्ग साइड बेस्ट इज टू गो लॉन्ग अबाउट 44525 फॉर ए मूव टू 737 एंड 949। निफ्टी की तरफ चलते हैं निफ्टी क्या बोल रहा है ये देखिए ये हाँ तो अगर आपको शॉर्ट जाना है तो 19304 के नीचे जाइए तो टू थर्टी फोर आएगा टू टूटा तो एक इम्पल्सिव फॉल आएगा 164 एंड इवन 19100 भी आ सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट चार दिनों में मार्केट ने कोई भी मूव नहीं किया मंथली एक्सपायरी में जनरली एक अच्छा मूव आता है तो हो सकता है कल वो पूरी कर दे और अपसाइड में अगर 374 तो 444, 584, ये थ्री के ऊपर चला गया तो ट्रिपल फोर एंड फाइव ये लेवल्स हम देख रहे हैं एंड <coughs> जो गैन के रूल्स भी होते हैं तो उसमें एक अच्छा रूल होता है ये इफ़ मार्केट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इफ मेन ट्रेंड इज डाउन वीकली हाईज़ आर जनरली अचीव ऑन वेडनसडे एंड वीकली लोज ऑन फ्राइडे तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें वीकली हाईज़ जनरली वेडनसडे को आ जाते हैं तो ये एक वीकली हाई हो गया अब नेक्स्ट टू डेज हाई प्रॉबिलिटी मार्केट घिरेगा उससे पहले वाले वीक में देखते हैं पहले वाले वीक में कब आएगा ट्वेंटी थर्ड को ट्वेंटी थर्ड को क्या हुआ देखते हैं ट्वेंटी फोर्थ हुआ ट्वेंटी थर्ड अगस्त ये आया अब वापस देखिए वीकली आई हुआ मार्केट गैप अप हुआ और फिर ये अच्छी फॉल आ गई इधर और इसके बाद फ्राइडे को मार्केट ने लो दिया राइट तो ये सिंपल से तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ये गैन के सिंपल सिंपल रूल हैं उससे पहले वाला अगर हम देखें ट्वेंटी थर्ड से पहले सिक्सटीन सिक्सटींथ अगस्त को क्या हुआ दिस इज एटीन सिक्सटीन देखिए वीकली आई फिर बना और फ्राइडे को लो हुआ तो अभी ये पैटर्न चल रहा है तो आज वीकली हाई बन गया तो अगर कल के लो के नीचे आज के लो के नीचे वैसे 19334 तो मेरे हिसाब से 19234 का लाए जाना चाहिए और फ्राइडे को मार्केट में और फॉलो नीचे चाहिए जहाँ पर ये लो बनेगा तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं और एक और चीज़ अगर इस पूरी एक्सपायरी को हम देखें तो आप देखेंगे कि भाई एफ स्टॉक फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट फिफ्टीन करोड़ की सेलिंग है और कैश में मार्केट ने लगभग नाइन्टीन करोड़ की सेलिंग की है तो अगर इन दोनों फिगर्स को आप ऐड करोगे तो लगभग थर्टी फाइव थाउजेंड करोड्स की सेलिंग हुई है मार्केट के अंदर राइट जस्ट इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड कैश मार्केट में तो दीज आर नॉट स्मॉल फिगर्स और मार्केट निफ्टी अभी तक ऑलमोस्ट टू परसेंट भी करेक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे है पर अगर एफ को ये शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे सो दे हैव टू ब्रिंग वन इम्पल्सिव फॉल डाउन इन द मार्केट तो उसमें ये अपने शॉर्ट्स को कवर कर पाएंगे तो ऐसा लग रहा है मिड कैप्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ब्रॉडर मार्केट पूरा रैली कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी डोनो ट्वेंटी और फिफ्टी डे के नीचे है और लेवल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हैं एंड इवन बेयर्स के दो रूल्स भी हैं जो मैंने अपने साइट पर डिस्कस किए तो वो भी आ रहे हैं प्लस जुपिटर एंड सेटन सेवेंटी टू डिग्रीज दीज आर वेरी रेयर इवेंट्स सो लेट्स होप वी कैन सी सम एक्सपलोजिव मूव टूमोरो थैंक यू वेरी मच से डिसिप्लिन